इस साल औरंगाबाद से कितने हाजी जाना है हज के लिए और उन लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना मोहम्मद नसीमुद्दीन मिफ्ताही, सदर खिदमात हुज्जाज कमेटी औरंगाबाद, आपसे मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल सैकड़ों लोगों ने आपके यहाँ से हज बैतुल्लाह का फॉर्म जो भरा था और किया था, लेकिन 1700 खुशकिस्मत हजरात की मंजूरी आई और वो इस साल आपके औरंगाबाद एम्बार्केशन से फ्लाइट के ज़रिए से मदीने मुनव्वरा या सऊदीया जाने वाले थे, लेकिन जब ये ख़बरें अखबारात में आई कि औरंगाबाद एम्बार्केशन और बम्बई एम्बार्केशन में 88,000 रुपये का फ़र्क है, यानी औरंगाबाद से जो जाएगा बम्बई के मुकाबले में उसको 88,000 रुपये ज़्यादा एक हाजी को भरना हो गए। ज़ाहिर है कि हम लोग ये जानते हैं कि बम्बई जाने के लिए एक फ़र्द के लिए फ़्लाइट से जाए तो 5-7 हज़ार रुपये से अच्छे फ़्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन ये 88,000 हमारे जो हाजिमीन हज जो है ना, उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस सिलसिले में हमारे ऑफिस में जा मरकज़ ख़िदमात हुजाज कमेटी की ऑफिस में जो पटेल आर्किड जुना बाज़ार और औरंगाबाद में वाकई है, मुसलसल आज़िमीन हज आ रहे हैं और उन्होंने दरख्वास्त दी है कि हमारे ये 88,000 को ख़त्म किया जाए और ये एम्बार्केशन बाकी रखा जाए। बसूरत मजबूरी हम यहाँ से कैंसिल करके और इसको मनसूख करके हम दरख्वास्त दे चुके हैं कि हमको बम्बई एम्बार्केशन से भेजा जाए। इसलिए हमारे पास 700 दरख्वास्तें आ चुकी है और हमने बम्बई हज कमेटी को उसको भेज भी दिया है। इसलिए हमारी तमाम जो सहाफ़ियों से जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये आज़िमीन हज बैतुल्लाह की आप दुआएँ लें और कोशिश करें कि ऊपर तक आपके जो कुछ ज़राए हैं वसाइल है कि ये 88,000 का बोझ हमारे हाजियों का कम हो जाए और वो खुश खुरम। आपने कुछ चिट्ठी लिखा है क्या? जी नुमाइंदगी की है आपके? हाँ, हमने अभी हमारे दो नायब सदर नायब वो जो आपने लेटर रवाना किया उसकी डिटेल बताइए, उसके आपने रिमांड किया है यहाँ पे जो मसाइल हो रहे हैं। मैं खिदमत हुजाज कमेटी का नायब सदर सैयद अरशद इंजीनियर बोल रहा हूँ और हमने हाजियों के जो मसले में मरकज़ी वज़ीर सिंधिया जी और मोहतरमा समृद्धि रानी साहिबा को आज़िमीन हज के औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो 88,000 रुपये का ज़ायद ख़र्च आ रहा है उस सिलसिले में नुमाइंदगी में एक लेटर रवाना किया है और उसमें ये मेंशन किया है कि औरंगाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट को कायम रखते हुए इन पैसों के ऊपर नज़र सानी करें ताकि आज़िमीन हज मराठवाड़ा को सहूलत हासिल हो। उसी तरह 2100 सऊदी रियाल जो पहले हाजियों से हिंदुस्तानी रकम में वो रकम हज कमेटी हासिल कर लेती थी, हिंदुस्तानी रकम रुपयों में हिंदुस्तानी रकम हासिल करने के बाद उन्हीं पैसों का अपनी ज़ेर निगरानी हज कमेटी सऊदी रियाल में तब्दील करके हाजियों को हवाई जहाज़ में सवार होने से कबल उनमें जेब में एक पाकिट बना के दिया जाता था। तो हमारी फिर से यही गुजारिश रहेगी कि आज़िमीन हज से आप जो पैसे ले रहे हैं वो पैसों के ही रियालात कन्वर्ट करके हज कमेटी अपने ज़िम्मे से हाजियों को एयरपोर्ट रवाना होने से पहले, प्लेन में बैठने से पहले ये सारी रकम उनको दे दी जाए तो मेहरबानी होगी। जिंदगी की है आपके? हाँ, हमने अभी हमारे दो नायब सदर हमारे अरशद साहब ने बताया कि हमने मरकज़ी वज़ीर जो इससे मुतालिक है उनको भी जो ख़त्तो किताबत की है और अभी उनका जवाब नहीं आया, और कल हमने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से यहाँ के एमपी जनाब इम्तियाज़ जलील के ज़रिए भी बात की और मैंने ज़ाती तौर पे भी बात की आधा घंटा, और उन्होंने जो वजूहात बताई है वो आम हाजी के समझ में आने वाली नहीं है। वो हज कमेटी का अपना मसला है जो वो पैसे हाजियों के ऊपर डाल दे रहे हैं,
हज कमेटी अगर चाहें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे सकती है, इतना उनके पास बजट है, इतना उनके पास जो है तो वसाइल है, इतना उनके पास इख्तियार है, और वो अपने मुतालिका मिनिस्ट्री से रब्त करके हमारे मसाइल को हल कर सकती है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए, कामयाब फरमाए, और आज़िमीन हज बैतुल्ला को जो रुकावटें और मवाने और परेशानियां हैं उसको दूर फरमाए और खैर आफियत के साथ हज मबरूर मकबूल फरमाए। हाँ, एक मसले में और परेशान हैं हम कि अभी तक आज़ादी के बाद से ये हज कमेटी रियाल हमको दिया करती थी, ख़ास तौर से जब से हमने यहाँ काम संभाला 1989 से, तो हर हाजी को गवर्नमेंट उसी पैसों में से जो उसने जमा किया था हज कमेटी को उसमें से 2100 रियाल कैश दिया करती थी या ड्राप देते थे जो हम जद्दे पे तोड़ा लिया करते थे। अब उन्होंने शुरू में ये ऐलान फरमाया कि हम बड़े खुश हो गए और आज़िमीन हज उससे ज़्यादा खुश हुए कि जनाब हज सस्ता हो रहा है, और उसके बाद आइंदा उन्होंने दूसरे ही लम्हे दूसरे हफ्ते ये ऐलान कर दिया कि वो 2100 रियाल जो हम दिया करते थे वो हम नहीं देंगे, आपको ख़ुद इंतज़ाम करना होगा। इससे हमारे जो गाँव के देहात के बुज़ुर्ग ख़वातीन और आज़िमीन हज है उन जो कम पढ़े लिखे हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना होगा। हमारी दूसरी दरख्वास्त ये है कि हमेशा की तरह 2100 रियाल जो है तो गवर्नमेंट दे और उसका टेंडर निकाले और बैंक उसके ज़रिए से कम और सस्ता भी मिलता है और अच्छा इंतज़ाम होता है। ये काम भी हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि पूरा किया जाए।